मिश्रा जी कि गवर्नमेंट फॉर व्हाट, गवर्नमेंट किसके लिए, सरकार में जो संविधान की जो हमारी भावना रही वो ये थी कि भारत जो होगा वो वेलफेयर स्टेट होगा, मतलब पब्लिक वेलफेयर स्टेट होगा, लोक कल्याण के लिए होगा। लेकिन यहाँ लोक तो पता नहीं कहाँ चला गया और कल्याण की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, उसके विषय में तो सोचा ही नहीं जा सकता है। एक्चुअली इनको सरकार के प्रति, देश के प्रति समर्पित लोग नहीं चाहिए, इनको अपने व्यक्तिगत नौकर चाहिए, और ये व्यक्तिगत नौकरों के लिए आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों को हायर करके और उनको सरकार में काम में लगाया जा रहा है। ये देश के साथ एक बहुत बड़ा घात हो रहा है और देश की जनता को पूरी तरह से ठगा जा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से अगर इस पर चर्चा की जाए तो भारत तो एक लोक कल्याणकारी राज्य था, तो लोक तो पता नहीं कहां चला गया, लोकतंत्र में लोक तो किस किनारे जाके लगा, ये तो ठिकाना नहीं है, ये तंत्र पूरी तरह से इस लोक पर हावी हो गया। परिणाम ये हुआ कि यह लोक जो है वो उस तंत्र के नीचे बुरी तरह से दब गया और आज स्थिति यह है कि वो लोक कराह रहा है, वो जनता कराह रही है, वो लोग मारे जा रहे हैं और तंत्र उसका शोषण कर रहा है। तो अगर लड़ाई लड़नी है तो इस तंत्र के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये जो सिस्टम है, जो आईएस सिस्टम है, पहले होता ये था कि नेता अनुभवी होते थे, जमीनी होते थे और जमीन से जुड़े होते थे, वो जमीन से जुड़े होने के कारण जनता के दर्द को समझते थे, जनता की पीड़ा को समझते थे। आज स्थिति दूसरी हो गई है, आज वो नेता पूरी तरह से उस तंत्र के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, वो तंत्र ही उन्हें चोरी सिखाता है, वह तंत्र ही उन्हें डकैती सिखाता है और जनता का शोषण कैसे करना है, जनता को नियंत्रण में कैसे रखना है, यह तंत्र भी वही उनको गाइड कर रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज उस इस व्यवस्था में, जिस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हम जी रहे हैं, उस व्यवस्था में यह तंत्र इतना, यह ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई है कि इन नेताओं के पास अपना कोई विवेक बचा ही नहीं है कि ये अपने स्तर से सोच सके। कारण यह है कि ये जमीनी नहीं है, इनको जमीन की हकीकत नहीं मालूम है, और अगर इनको जमीन की हकीकत मालूम है तो इनके दिमाग में ये है कि अगर समस्या नहीं रहेगी तो हमारे पास आएगा कौन, इस नाते ये पूरी तरह से तंत्र पर निर्भर हो गए हैं। कस्तूरबा की जो हकीकत है वो मैं बताना चाहता हूँ, वह सेम समस्या हमारे शिक्षा मित्र भाइयों की है, अनुदेशक भाइयों की है, वो भी आप बताइए कि 10 से 4 तक सेम ड्यूटी करते हैं, अनुदेशक भी ड्यूटी करते हैं, हमारे शिक्षा मित्र भाई भी ड्यूटी करते हैं और कस्तूरबा का कर्मचारी भी ड्यूटी करता है, और वेतन में 10 गुने का अंतर है भाई साहब, 10 गुने का अंतर है। तो ये सवाल है कि भूख की भी कैटेगरी तय कर दी गई, बीमारी की भी कैटेगरी तय कर दी गई, और अब चेहरे देख करके हायरार्की के आधार पर भूख और बीमारी की जाति तय हो रही है, ये सही नहीं है, ये देश का दुर्भाग्य है। आने वाले जो नौजवान हैं वो अगर आप देश के प्रति, समाज के प्रति समर्पित लोगों को अगर व्यवस्था में रखेंगे तो वो देश और समाज के प्रति जिम्मेदार होंगे। अगर उसके समर्पित लोग नहीं रहेंगे, अगर ये अधिकारियों के प्रति समर्पित लोग आएंगे तो ये देश के प्रति और समाज के प्रति जिम्मेवार लोग नहीं होंगे, ये गैर जिम्मेदार लोग हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में इस देश और समाज का भला नहीं हो पाएगा। इसलिए इस व्यवस्था पर सोचना तो जरूरी है। मैं विजय बंधु जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, एक बात उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और इस पर विचार भी करना चाहिए कि आज जिस सिस्टम ने इस लोक को, जो ये सिस्टम लोक को क्रैश कर रहा है, तो लोक को कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा। ये केवल कर्मचारियों का सवाल नहीं है, ये केवल कुछ संविदा कर्मियों का सवाल नहीं है, ये पूरे देश की जनता के सामने ये बड़ा सवाल है कि क्या भूख की भी बिरादरी तय होगी, क्या प्यास की भी बिरादरी तय होगी, क्या बीमारी को भी कैटेगरी में बांटा जाएगा कि कोई अंबानी बीमार है तो वो ज्यादा बीमार है और हमारे गांव का किसान बीमार है तो उसकी बीमारी का कोई मतलब नहीं है। अगर ये इस तरह से अगर ये देश चलाना चाहते हैं तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, कटु निंदा करता हूं। इसलिए इस सवाल को जनता के बीच में लेकर जाने की जरूरत है। विजय बंधु जी काफी संघर्ष किए हैं, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सवालों को जनता के बीच में लेके चलना पड़ेगा, चाहे शिक्षा मित्रों का सवाल हो,
चाहे अनुदेशक भाइयों का सवाल हो, जनता के बीच में लेके चलना पड़ेगा। और ये वही जनता है जिसके बेटे, जिसके भाई, जिसके घर के लोग आज इस व्यवस्था से लड़ रहे हैं, इस व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। कोई नेता का बेटा, कोई बड़े नेता का बेटा आप बताइए कहीं अनुदेशक बना है, कहीं शिक्षा मित्र बना है, कहीं कस्तूरबा में वो नौकरी करता है, वो स्विट्जरलैंड में पढ़ता है भाई साहब, और स्विट्जरलैंड से जब पढ़ के आता है तो वह उसी आउटसोर्सिंग की संस्कृति को देख कर आता है, और वो जब आता है तो हमको आपको वो कीड़ा मकोड़ा समझता है, हमको आपको वो इंसान समझता ही नहीं है। उसके हिसाब से यहाँ इंसान सिर्फ वो है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, जो साफ कपड़े पहनता है, जो अच्छे अच्छी इंग्लिश में बात करता है। हम आप इंसान की श्रेणी में है ही कहाँ जो हमारे विषय में सरकार सोचेगी। इसलिए यहाँ जितने लोग इस डिबेट में आए हैं, मैं हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करता हूँ कि केवल संविदा कर्मचारी इनको न कहा जाए, ये जनता के वो लोग हैं जो वास्तव में सबसे अधिक टैक्स देते हैं, जो वास्तव में सबसे अधिक देश के लिए बलिदान देते हैं, जो वास्तव में देश के सवाल पर सबसे अधिक मरते मिटते हैं। उनके बेटों के साथ, उनके भाइयों के साथ और उनके बच्चों के साथ यह सरकार, यह तंत्र जो काम कर रहा है वह वास्तव में एक घिनौना कृत्य है, और इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। इसलिए ऐसे सवालों को जनता के बीच में लेके चलने की जरूरत है कि हम तुम्हारे ही तो भाई हैं, हम तुम्हारे ही तो हैं, और हमारे साथ ये सरकार क्या कर रही है? क्या किसी नेता के बेटा को आपने देखा है कि वो संविदा की नौकरी करके और हमारे आपके तरह डिबेट में आज चिल्ला रहा हो? कोई नेता का बेटा नहीं आता भाई साहब, वो हमारे आपके लड़के हैं, हमारे आपके बच्चे हैं। आप बताइए, 58 साल मेरी उम्र होने जा रही है और आज ये सरकार कर रही है कि अब कस्तूरबा के आप इम्प्लाई नहीं रह पाएंगे, और किस आधार पर? क्योंकि मैं पुरुष हूं। क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? और हत्या नहीं, ये संविधान की निर्मम हत्या है कि अगर जेंडर के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी सेवा से बाहर कर दिया जाए तो ये संविधान की निर्मम हत्या है। अगर शिक्षा मित्र भी उतना ही काम करते हैं जितना एक नियमित इम्प्लाई करते हैं, और केवल इस आधार पर उनको, उनकी योग्यता और उनकी प्रतिभा भी उतनी है, केवल इस आधार पर कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया गलत है। अरे नियुक्ति प्रक्रिया गलत है तो ये नियुक्ति प्रक्रिया को संपादित करने वाले कितने डीएम को सरकार ने दंड दिया आप बताइए, कितने बीएसए के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने महानिदेशक के खिलाफ कार्रवाई हुई? किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं। कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है? विजय बंधु के खिलाफ हो रही है, सुनील तिवारी के खिलाफ कार्रवाई हुई, हमारे जैसे जो संविदा के कर्मचारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन किसी डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तंत्र दोषी है, और इस तंत्र से अगर लड़ना है तो हमको इस लड़ाई को जनता के बीच में लेके जाना होगा, जनता के साथ इंटरेक्ट होना पड़ेगा, और इंटरेक्ट होके उनकी अपनी बात को वहां समझाना पड़ेगा कि हम संविदा कर्मियों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम आपके बेटों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कल का जो भविष्य होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल आपने